Hello children, how are you all? I hope you all are fit and fine at home. Myself, Uma Naruka from Shivjyoti Educational Group, Kota. Welcome to our creative world. Today we are going to make a Diwali craft activity, Shubh Labh. So let's start making it. Now children, we are taking craft material for this activity. Pencil, two waste CDs, scissors, some colors, golden lace, brush, pom-poms, beads, pearls, fevicol, and golden paper. बेटा देखिए, सबसे पहले आपको टू सर्कल्स गोल्डन शीट से कट करने हैं सीडी के बराबर, और इससे पहले आप पेंसिल से इसकी आउटलाइन करके ट्रेसिंग कर लेंगे. ये देखिए, ये एक मेजरमेंट ड्रॉ हो चुका है, और उसके बाद आप यहाँ से सीजर से दोनों को पेपर के साथ मिला के कट कर देंगे. बेटा देखिए, इस तरीके से आपको टू सर्कल्स कट करने हैं. बेटा अब आपको ये जो इंटरनल पार्ट है इसका, इस पे आपको बीट्स लगाते जाना है. बेटा ये एक इनर सर्किल बनाया है मैंने यहाँ से, तो आपको भी इसी तरीके से इसके ऊपर बीट्स लगाते जाना है. बेटा देखिए, इस तरीके से बीट्स लगाते जाना है आपको, और ये सर्किल कंप्लीट करना है पूरा. ये देखिए, मैम का ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है ये सर्किल. आप भी देखिए, इस तरीके से कंप्लीट कर लीजिए फटाफट से. बेटा आपको इसको हैंग करने के लिए लेस की ज़रूरत होगी. इसके लिए हम इसमें से लूप बनाएंगे, तो आप यहाँ से इतना कट कर लीजिए और इसको इस पे पेस्ट करेंगे. देखिए बच्चों, इस तरह से मैंने फेविकॉल इस पे लगा दी है, और ये लूप रेडी हो चुका है. और जो बेटा हमने ये सर्कल्स कट किए थे, वो भी हमें यहीं पे पेस्ट करना है लाइक दिस. इसको 2 से 3 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा सूखने के लिए. ये ड्राई हो जाएगा, और इसका जो बाकी पार्ट है यहाँ पे भी हम अच्छे से फेविकॉल लगा देंगे. देखिए बच्चों, इस तरीके से ये पेस्टिंग हो चुकी है इसकी. अब हम नेक्स्ट इस पे पॉम पॉम्स लगाने शुरू करेंगे, फिर यहाँ पे शुभ और लाभ लिखेंगे कलर और ब्रश की हेल्प से. बेटा आप देखिए, इसके बाहर वाले पार्ट पे पॉम पॉम की पेस्टिंग करना शुरू करेंगे. ये देखिए, मैंने यहाँ पे फेविकॉल लगा दिए, और आप भी जल्दी से मैम के साथ साथ फेविकॉल लगा के इसको कंप्लीट करिए. फिर इसको पेस्टिंग के बाद में, बेटा इसकी पेस्टिंग के बाद में हम यहाँ पे शुभ और लाभ लिखेंगे. देखिए मैम ने लगाना शुरू कर दिया है. आप भी बच्चों मैम के साथ साथ में पेस्टिंग करिए. ये देखिए इस तरीके से दोनों सीडीज पे जल्दी से हम पॉम पॉम्स लगा लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे हम शुभ लाभ लिखेंगे. बेटा ये देखिए, ये सारे पॉम पॉम्स हमने इसके बाहर की तरफ लगा दिए हैं, और अंदर की तरफ हमने छोटे बीट्स लगाए हैं. और अगर आप चाहें तो इस पे ये पर्ल्स भी लगा सकते हैं. जैसा भी आप चाहें बच्चों, उस तरीके से इसमें डेकोरेशन कर सकते हैं. अब हम इस पे कलर की हेल्प से यहाँ पे शुभ और लाभ लिखेंगे. अगर आप चाहें तो किसी और टेक्निक से भी, या कोई और इनोवेटिव तरीके से आप लिखना चाहते हैं, तो वो भी इसमें लिख सकते हैं. बेटा ये देखिए, ये मैम ने इस तरीके से शुभ लाभ लिखा है, आप भी लिख लीजिए फटाफट से. और बेटा देखिए, इस तरीके से ये हमारी दिवाली एक्टिविटी रेडी हो चुकी है. आई होप यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो. Be creative, keep watching. Thank you.